हेलो गाइज, वेलकम टू अर चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ क्विज के अपडेट लेके आता हूँ। तो आज के दिन में या तो कुछ खास बात है या फिर आज दिन बहुत अच्छा है। पहले तो केवीएस में ट्रांसफ़र गाइडलाइन का आना, जिससे जिनका ट्रांसफ़र होना है उन्हें बहुत खुशी मिलेगी, और जो कि ज़रूरी है। प्लस आगे इसके बाद की जितनी भी प्रोसेस है उसमें जो स्टॉप लगा हुआ था वो हटेगा। अब बात करते हैं एक और नई रिक्रूटमेंट की। प्राइमरी टीचर्स की रिक्रूटमेंट निकली है चंडीगढ़ में। लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, ठीक है, मतलब प्राइमरी टीचर्स। ठीक, अब 30/6/2023 का ये नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे 20/7/2023 और लास्ट डेट होगी 14/8/2023 और फीस डिपेट करने की होगी, डिपॉजिट करने होगी 17/8/2023, ठीक है ना। अब यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं। जनरल की 149 है, ओबीसी की 56 है, एससी की 59 है, ईडब्ल्यूएस की 29 है और टोटल पोस्ट है 293, ठीक है ना। अब कई लोग ये कहेंगे कि ये पोस्ट बहुत कम है, लेकिन मैंने कहा ना, जिसको चाहिए उसे एक ही नौकरी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो बहुत अच्छी चीज़ है वो पे ग्रेड वही है जो बाकी दिल्ली में मिलेगा आपको या केवीएस में मिलेगा, ठीक। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर देते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेजुएट डीएलएड करना चाहिए या फिर आपका बीएड हो। बीएड वाले भी एलिजिबल हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बीएड वाले प्राइमरी टीचर्स के एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन प्लस 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और बीएड होना चाहिए, सीटेट पास होना चाहिए, ठीक है। और बाकी एज लिमिट दिखा देते हैं। अच्छा, पेपर फॉर्मेट कैसा आएगा ये भी देख लेते हैं। पेपर फॉर्मेट में 150 नंबर का होगा और 150 क्वेश्चन होंगे और 2.5 घंटे का समय होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस 15 नंबर, जो कि आपका वैसा ही है जैसे केवीएस में था। रीजनिंग एबिलिटी भी केवीएस के लिए तैयार करी होगी आपने, अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी भी तैयार की होगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आपका जो सब्जेक्ट है वो आईसीटी भी आपको तैयार करना है। यहाँ पे ये 3, 6, 7, 8 जो है, 6, 7, 8 जो है, ये थोड़ा सा आपके लिए हर्डल हो सकते हैं कई लोगों के लिए। जो पहला है इंग्लिश, पंजाबी, हिंदी, सॉरी नॉट 6, 7, 8 ओनली 7 पंजाबी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, ये सारा आपका मार्किंग स्कीम है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार लगा के कि ये जो 6, 7, 8, 9, 10, 11 पॉइंट है, इसमें जो क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल होगा वो सिर्फ 10th क्लास तक होगा। इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो 40% होंगे। जी हाँ, केवीएस से थोड़ा सा अलग रहेगा। वो किस सेंस में रहेगा, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, दैट इज 0.25, ठीक है ना। पेपर बाइलिंगुअल होगा, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लिखा हुआ है देखो ऑल कलर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन केस टू और मोर कैंडिडेट हैविंग सेम मार्क्स इन रिटन टेस्ट देन अ कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन डिप्लोमा, अगर दोनों के मार्क्स सेम है रिटन में, तो जिसके डिप्लोमा में या बीएड में मार्क्स ज़्यादा होंगे उसे प्रेफरेंस मिलेगी, और उस अगर वो भी सेम है तो एज में प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। एज लिमिट देख लेते हैं। एज लिमिट है 21 to 37। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो 30 से ऊपर हो चुके होते हैं और पीआरटी टीचर बनना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये। और बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में भी लिखा है, ये आप पढ़ लेना। और इसमें आपका जो इंटरव्यू नहीं होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। सबके अपने पर्सनल व्यूज है, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए पीआरटी टीजीटी पीजीटी जैसी पोस्ट के लिए, ठीक है। चलो, यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। पॉज कर लेना और पढ़ लेना जनरल इंस्ट्रक्शन, ठीक है। हर चीज को पॉज करना, पढ़ लेना जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक, तो ये एक और खुशखबरी आज के दिन की। तो आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई, और तैयारी करें और जम के करें और अपने सपनों को पूरा करें। धन्यवाद।